तो गाइज यार, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूंगा कि भाई यार, अगर आपने मुझे अभी तक ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यार यूज़र नेम आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी जाके फॉलो कर लो अपने भाई को, क्योंकि अब वक्त आ गया है थोड़ी सी औकात बढ़ाने का। तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है? आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा WWE 2K19 का मोड, और यार ये जो मोड है इसका साइज है ओनली 300 MB। बेसिकली गाइज यार, ये जो मोड है इसको बनाया फायर मैक्स ने, तो उनके चैनल का लिंक मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जरूर चेकआउट करना। अब यार डिस्क्रिप्शन में मैंने डाउनलोडिंग की दो फाइल दी हैं, एक मैंने दी है मेन गेम फाइल जिसके ऊपर लिखा होगा WWE 2K19, और एक होगी PSP फोल्डर। आपने गाइज दोनों डाउनलोड करना है, डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूँ। और मैं आपको एक ही चीज़ बोलूंगा कि भाई अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ भी पसंद आता है ना, मतलब कुछ भी, तो आपने यार बस समझना नहीं है कुछ भी, बस आपने वीडियो को लाइक कर देना है। और मेरे जितने भी भाई लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो उनको मैं बोलूंगा कि भाई देखना दुखना है सब कुछ बाद में, बस इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आपका भाई रोजाना आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता है, आपको हर एक चीज बताता रहता है। सो गाइज अब देखते हैं इसकी डाउनलोडिंग और देखते हैं कि हमने इसको कैसे चलाना है PPSSPP एमुलेटर में। और हाँ यार, PPSSPP डाउनलोड कर लेना एमुलेटर, नहीं तो आप बाद में मुझे बोलोगे कि भाई तूने इसके बारे में बताया ही नहीं। तो यार इसको डाउनलोड करो और देखते हैं। तो गाइस जब आप डाउनलोडिंग लिंक पर टच करेंगे तो आप कुछ इस तरह के पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके एकदम नीचे चले जाना है, और एकदम नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक डब्बा, और यहाँ पर लिखा हुआ है एक कैप्चा। तो आप यार बस इस डब्बे पे एक बार टच करके इसको टिक कर लो यहाँ से। यहाँ पर हो सकता है आपको कोई फोटो वगैरह दिखाए, ये देखिए जैसे मुझे दिखा रहा है। तो कार्स में जल्दी से चूज़ कर लेता हूँ, ये हो गई मेरी कार्स, वेरीफाई मैंने कर लिया। और उसके बाद आप कंटिन्यू पे टच करो। कंटिन्यू पे टच करने के बाद आप दूसरे पेज पे आओगे, यहाँ पर आपने बस थोड़ा सा वेट करना है, मतलब करीब 10 सेकंड या 9 सेकंड आपको वेट करना है। और ये देखिए यहाँ पर बस आपका ये हो रहा है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस क्या है। तो इसके होने के बाद आपने गेट लिंक पे टच कर देना है और आप कोई और पेज पे पहुंच सकते हैं। तो गाइज आपने इसको हटा के वापस बैक आना है, और यहाँ पर आपको एक गेम मिल जाएगी, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करो, और इसका जो PPSSPP वाला फोल्डर है आप उसको भी इसी तरीके से डाउनलोड कर लो। एक्सट्रैक्टिंग के लिए गाइज मैं यूज़ कर रहा हूँ ZArchiver, आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज मेरी नीचे है मेन गेम फाइल, और ऊपर है मेरा PSP का सेव डेटा, जो भी आप कह सकते हैं इसको। तो यार ये जो नीचे वाली फाइल है ना, बस आपने इस पर एक बार टच करना है, और उसके बाद एक्सट्रैक्ट हेयर पे टच करना है। पासवर्ड आपको पता ही है गाइज, कैपिटल लेटर में KYT, वैसे मैंने स्मॉल लेटर में लिख दिया, तो कैपिटल लेटर में KYT, उसके बाद ओके कर दो। ओके करने के बाद भाई आपके फ़ोन में कुछ इस तरह का फोल्डर बन जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यानी कि एक फोल्डर बन जाएगा मेन। अब आपने ये जो PSP वाला फोल्डर है इसके साथ क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने गाइज इस पे एक बार टच करना है, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट, इस पे टच करो, और उसके बाद भाई आप जाओ अपनी डिवाइस मेमोरी, और यहाँ पर बस आप इसको पेस्ट कर दो। ये आपको ओवरराइट के लिए बोलेगा, बिकॉज आपको पता है जब PPSSPP हम एम्युलेटर डाउनलोड करते हैं तो उसकी यार ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक फोल्डर बन जाती है। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ अप्लाई टू ऑल फाइल्स, और उसके बाद रिप्लेस। ये जब हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपनी गेम को चला के, और आपको मैं दिखाता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम मुझे फेस करने को नहीं मिल रही है। PPSSPP तो यार यहाँ पर मेरा हो गया है ओपन। अब आपने जाना है उस फोल्डर में जहाँ पर आपने किया था अपनी मेन गेम को एक्सट्रैक्ट, तो मैंने किया था KingerYT के फोल्डर पे। अब यार यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं WWE 2K19 लिखा हुआ है, यानी कि एक उसकी फोटो से बनी हुई है। अब आपने बस यार इस पर एक बार टच कर देना है इस फोटो पे, और यार यहाँ से आपकी गेम स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली गाइज यार इसका आप गेम प्ले तो देख ही रहे होंगे साथ के साथ, जब मैं आपको दिखा रहा था कि आपने डाउनलोड कैसे करना है इस गेम को, और उससे पहले भी मैं आपको दिखा रहा था, तो दोबारा गेम प्ले दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले दोस्तों अलविदा, जय हिंद। और यार सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो यार, ये छोटी मोटी चीजें बोलने की नहीं होती हैं, कर देनी चाहिए, मतलब यार शगुन का प्रसाद है, जल्दी से मुझे दे दो। और आपको मैं मिलता हूं अगली वीडियो में।